हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं और ये कपड़ों पे बना हुआ डिज़ाइन है, यही डिज़ाइन मैं अपने हाथों पे अप्लाई करूंगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है, तो वीडियो के लास्ट में मैंने वो क्लिप लगा दी है, आप देख सकते हैं उसमें मैंने किस तरीके से छापा है और किस तरीके से बनाया है, आप ये पूरा देख सकते हैं उस वीडियो में। वैसे तो मैंने इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने सब कुछ बताया था, और आप लोगों के कहने पर ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। और आप लोगों ने कहा था कि मैं पूरा फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन लेके आऊँ, वो भी इसी ट्रिक से। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, अगर जिन्हें मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता वो स्टार्टिंग में इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल तरीका है मेहंदी लगाने का, और जैसा आप चाहें, जैसा डिज़ाइन आप चाहें, आप वैसा ही अपने हाथों पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश कीजिए कि अगर आप मेहंदी वाकई में सीखना चाहते हैं और आपको मेहंदी बहुत पसंद है तो खुद ही लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये छोटी छोटी जो ट्रिक हैं उनके लिए हैं जिन्हें मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता और वो कम समय में ही बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाना चाहते हैं। और देखेंगे आप कि यही बिल्कुल डिज़ाइन है, बस मैंने उसको छापा और उसके बाद मैं इसी के ऊपर मेहंदी को अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टेप है। आप देखेंगे कि जो मैंने डिज़ाइन अभी बनाया है ये बिल्कुल बना वैसा ही है जैसे कपड़े में बना हुआ था। उसके बाद मैंने जो आसपास जो डिज़ाइन फिल किया है वो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड किया है। और अगर आप बिल्कुल भी मेहंदी लगाना नहीं जानते और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सा डिज़ाइन अप्लाई करें, तो आप जब भी कोई डिज़ाइन ऐसा ढूंढें जो कपड़ों से कॉपी कर रहे हो आप, वो ऐसा ही ढूंढो जो मतलब आपको कहीं कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो बस पूरा छाप दीजिए और उसी के ऊपर ही आप मेहंदी की कोन को चलाते जाइए। हाँ, अगर शुरुआत कर रहे हैं आप मेहंदी सीखने की, तो मेहंदी की कोन को कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करके ही पूरे डिज़ाइन को आप कंप्लीट कीजिए, वरना फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और देखेंगे आपकी जो दूसरा डिज़ाइन है ये भी बिल्कुल वैसा ही है जो कपड़े पर बना हुआ है। और मैं सच्ची बताऊँ, ये आप लोगों को बहुत ईजी लगा और आप लोगों को पसंद भी बहुत आया था, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में मेरे से कहा था। वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये सिंपल जो ट्रिक है वो वाकई में उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है जिन्हें मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती है और वो चाहते हैं कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाएं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही मज़ेदार डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। भले ही स्टार्टिंग में लग रहा हो कि यार पता नहीं कैसा लगेगा, पर फाइनल लुक जब आप देखेंगे वाकई में आप देखते रह जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मेरे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, इसीलिए ही मैं बार बार आपसे कहती हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख के छोड़ दीजिए, और अगर पसंद आते हैं तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स, जैसा भी लगे डिज़ाइन मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। और आपको ये जो ट्रिक है ये भी आसान लगी या नहीं लगी ये भी बताना। और पता है, अगर आप ये जो डिज़ाइन जो देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके का ही आप पूरा भर भर के ही डिज़ाइन बनाइए। आप छोटे छोटे से डिज़ाइन, जैसे आपने देखा होगा कि कपड़ों में बने होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे से ब्लॉक टाइप के इस तरीके से बने होते हैं, इसी तरीके से ही आप पूरे डिज़ाइन को भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिज़ाइन इजी भी है, खूबसूरत भी है। तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। मिलती हूँ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आप वो भी ज़रूर देख लीजिए जो मैं आपको कह रही थी कि लास्ट में से प्रिंट बना हुआ है, बट मैंने ये वाला जो बीच का फूलों का गुच्छा है मैंने इसको ही मतलब बनाना ठीक समझा, क्योंकि ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और ये ईजी भी है और छोटा ही मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ और भी है तो आप उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट शीट है, इसी के ऊपर मैं रखूँगी और एक सिंपल जेल पेन से, बिल्कुल सिंपल जेल पेन है जो आपके घर पे भी होगा, और इसीलिए मैं आपको बता भी रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि कौन सा पेन है। तो फ्रेंड्स, इसी से ही मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी जैसा कि दुपट्टे पर बना हुआ है। यार बड़ी मुश्किल से मुझे इस तरीके का दुपट्टा मिला, क्योंकि वो थोड़े वर्क वाले होते हैं तो उसमें पेन नहीं चल पाता, तो मैंने ये लिया है। और अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ किसी के बच्चे की फ्रॉक है, उसमें कुछ डिज़ाइन बनाया है, फ्लावर बनाया है, या कोई कार्टून अगर आप या कुछ ऐसा टैटू बनाना चाहते हैं, तो बड़े आसानी से इसी तरीके से बना सकते हैं। और आप देखेंगे ये बन गया है बिल्कुल, और इसी को ही मैं अपने हाथ में छाप दूँगी।
तो फ्रेंड्स काफ़ी हद तक तो आप वीडियो की स्टार्टिंग में भी समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, और ये बस इसलिए बता रही हूँ कि जिन्हें मेहंदी लगानी बिल्कुल ही नहीं आती, क्योंकि जिन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी उन्होंने भी यही कहा था कि मतलब बहुत ही सिंपल तरीका, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आप लगाना चाहते हैं कोई भी डिज़ाइन तो लगा सकते हैं, और आप देखेंगे कि मैं इसको बड़े अच्छे से दबा दूंगी और ये मेरे हाथ पे इसका जो डिज़ाइन है वो आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इंक सूख गई है तो आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप अपने हाथों पे डाल दीजिए और अच्छे से सुखा लीजिए, मतलब कि हल्की सी एक मॉइस्चर रह जाए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।